लेकिन मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिससे आप अपने सारे सॉफ्टवेयर्स को कंप्यूटर में नहीं पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके रख सकते हो। तो आज मैं अपने टीम के साथ में कुछ बहुत ही जरूरी टॉपिक पे बात करने आया हूँ। सबसे पहले हम तरुण से ये पूछेंगे कि तरुण ये बताओ कि तुम अपने लैपटॉप में जो सारे सॉफ्टवेयर है उनको कहाँ पे इंस्टॉल करके रखते हो? मैं अपने कंप्यूटर में ड्राइव में ही सेव करके रखता हूँ। तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं आती कि ड्राइव बार बार फुल हो जाती है? हाँ, बार बार ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, तो अच्छा मनोज आप कहाँ पे इंस्टॉल करके रखते हो अपने सारे सॉफ्टवेयर? मैं भी आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करता हूँ सर। तो इसमें मेन प्रॉब्लम यही आती है कि ड्राइव सी बार बार फुल हो जाती है, बार बार डेटा को अलग से उसे डालते हो। जी ठीक। और सॉफ्टवेयर भी जरूरी नहीं है कि सेम एक ही कंप्यूटर में दोनों सॉफ्टवेयर हो। जी ठीक है। वरुण ये बताओ कि जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में और रोहित के कंप्यूटर में आप लोग एडिटिंग करते हो, तो अगर कोई एप्लीकेशन नहीं है इस कंप्यूटर में या रोहित के में नहीं है, तो क्या उसको इंस्टॉल करते हो, क्या करते हो? डेटा उसी में। अच्छा, तो अगर कभी जरूरत पड़ती है तो इंस्टॉल करना पड़ता है एप्लीकेशन। और रोहित आप कहाँ पे अपने डेटा को सेव करके रखते हो? ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपने रख रखी है, इसके अंदर रखते हो आप डेटा को। और अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको ट्रांसफर करना हो तो आप कैसे करते होगे? पेन ड्राइव के माध्यम से। अच्छा, तो यहाँ पे हमने देखी है सभी की अपनी अलग अलग समस्या है। सभी लोग अपने ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर है उनको ड्राइव सी में रखते हैं। ड्राइव सी फुल होना एक बहुत आम बात है, लेकिन मैं एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिससे आप अपने सारे सॉफ्टवेयर्स को कंप्यूटर में नहीं पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके रख सकते हो, और जब चाहे जिस कंप्यूटर में चाहे बिना इंस्टॉल किए केवल ये पेन ड्राइव यूज करके आप अपने सॉफ्टवेयर को रन भी कर सकते हो। इससे आपका स्पेस भी बचेगा और सॉफ्टवेयर को कैरी करने में भी आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए स्टूडियो में चलते हैं और बताते हैं हम ये कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप ज्वाइन करो ये हमारा 22-in-1 कंप्यूटर मास्टरी कोर्स, जिस पर अभी टीचर्स डे के अंतर्गत चल रहा है पूरे 85% का डिस्काउंट, और साथ में आपको मिलने वाला ये खूबसूरत सा मग, ये माउस पैड और भी ढेर सारे यूजफुल गिफ्ट। इस ऑफर की जो पूरी जानकारी है वीडियो के लास्ट में है और ऑफर की लास्ट डेट 5 सितंबर है, तो वीडियो के लास्ट में जाके सारी जानकारी जल्दी से दे लीजिए। तो आइए जानते हैं कैसे इस कमाल के एप्लीकेशन को आपके पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो कौन कौन से पोर्टेबल एप्स हैं जिन्हें आप अपने पेन ड्राइव में कैरी कर सकते हो और जब भी चाहो जिस भी कंप्यूटर में चाहो उसमें प्लग एंड प्ले करके उनको यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको एक ब्लैंक पेन ड्राइव जो आपके पास में रखा हो या आपका कोई भी और पेन ड्राइव, उसको अपने USB ड्राइव में पहले ही लगा लेना है इस ऐप को इंस्टॉल करने से। तो मैंने अपने USB ड्राइव में अपना पेन ड्राइव लगा लिया है। अब इसके बाद आपको जाना है गूगल पर, और गूगल पर आपको सर्च करना है पोर्टेबल एप्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पहले ही रिजल्ट में आपको portableapps.com वेबसाइट मिल जाएगी। इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप इस वेबसाइट की होम पेज पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे कई सारी भाषाओं में लिखा हुआ है सेट योर पीसी फ्री, यानी आप अपने पीसी को या कंप्यूटर को फ्री कर सकते हो। इसके अलावा आप पेन ड्राइव के अंदर तो ये एप्लीकेशन कैरी कर ही सकते हो, आप क्लाउड के ऊपर भी अपने पोर्टेबल एप्स को रख सकते हो। आप अपने फेवरेट एप्स को अपने पेन ड्राइव में तो रख ही सकते हो, जैसे आपका ब्राउजर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, आपका ऑफिस हो गया। अगर आप अपने पेन ड्राइव में नहीं रखना चाह रहे हो तो आप क्लाउड पर भी ये रख सकते हो। इसके अलावा लैपटॉप में रख सकते हो, और अदर आपके पास कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव है, SSD है, उसके अंदर भी आप ये सारे एप्लीकेशन को कैरी करके चल सकते हो, यानी आप अपने कंप्यूटर को फ्री रख सकते हो। तो अब हमको करना क्या है, आपको यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन दिखाई देगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको यहाँ से क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड वाले पेज पर आपको यहाँ पर एक ये ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो जब तक एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितने सारे एप्स का डेटा है। तो यहाँ पे मैं ऐप पे क्लिक करूँगा और आप यहाँ पर देखोगे कि पोर्टेबल एप्स की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर 1100 पोर्टेबल एप्लीकेशन का पैकेज है। यहाँ पे ये लगभग 81 GB के आसपास बैठता है, तो आप ये सोच के देखो कि आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं अपने ऐप्स को इंस्टॉल करने के, और लगभग 1.1 बिलियन इसके अभी तक डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं और इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करके देखेंगे। अब अपने गूगल क्रोम ब्राउजर की डाउनलोड हिस्ट्री में जाओगे तो आपको यहाँ पे पोर्टेबल एप्स का ऑप्शन दिखेगा, और जहाँ पे भी आपने डाउनलोड फोल्डर सेट कर रखा होगा यानी डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में, तो आपका जो पोर्टेबल एप्स है वो दिख जाएगा। अब चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको इस पे डबल क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ से आपको आपकी जो भाषा है वो सेलेक्ट करनी है और ओके कर देना है। अब यहाँ पे इसका एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से आपको इसे नेक्स्ट करना है, यहाँ से आपके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे एग्री करना है। अब यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, अगर पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो उसे अपग्रेड कर सकते हैं, और नहीं तो आपको ये न्यू इंस्टॉल पे चले जाना है। तो मैं यहाँ से न्यू इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा,
एंड यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें भी आपको बड़े सावधानी से ऑप्शंस का चयन करना है। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके पेन ड्राइव के लिए, दूसरा ऑप्शन है क्लाउड के लिए, तीसरा ऑप्शन है आपके कंप्यूटर के लिए जिसमें केवल एक जो सिंगल यूजर जिसमें आपने लॉगिन कर रखा है उसके लिए ही ये जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई होगी, एक सारे जो यूजर हैं आपके कंप्यूटर के सभी के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। और यहाँ से आप कोई कस्टम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसे पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ से पोर्टेबल पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगर आपका पेन ड्राइव पहले से लगा हुआ है आपके सिस्टम में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लगा लेना, तो यहाँ पे आपके पेन ड्राइव की जो लोकेशन है वो आपको दिख जाएगी। अभी हमारे पेन ड्राइव को ड्राइव ई का नाम दिया गया है, मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी यूएसबी पेन ड्राइव ड्राइव ई है और यहाँ पर भी मैंने ड्राइव ई ही सेलेक्ट कर रखी है। यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये जो एप्लीकेशन है ये मेरे पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, इसके आगे की जो प्रोसेसिंग है हम ये जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद सीखेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने इस एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अब ये एक टिक लगा हुआ आ जाएगा लास्ट, आपको यहाँ पे ये जो दिखाई देगा रन पोर्टेबल एप्स डॉट कॉम प्लेटफॉर्म, एंड यहाँ से जैसे आप फिनिश करेंगे तो थोड़ा सा जो ऐप डायरेक्टरी है वो अपने आप को चेक करना शुरू करेगी कि कौन कौन से नए एप्लीकेशन आपके इस ऐप के अंदर आ गए हैं और कौन कौन से नए ऐप आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स और दिखाई देगा। अब ये क्या है, ये डायलॉग बॉक्स जो है ये बताता है कि आपको कौन कौन से एप्लीकेशन मिल सकते हैं जो आपके पेन ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल हो सकते हैं। और देखो कौन कौन से एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर असेसिबिलिटी के एप्लीकेशंस दे रखे हैं जिसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, वर्चुअल मैग्नीफाई ग्लासेस दे रखा है, ये सारे असेसिबिलिटी के फीचर्स हैं। इसके बाद डेवलपमेंट के बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखे हैं, एजुकेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखे हैं जिसमें टाइप फास्टर टाइपिंग ट्यूटर भी है, और ये सारे एप्लीकेशन फ्रीवेयर वाले हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे बहुत सारे गेम्स दे रखे हैं जिन्हें आप सिर्फ सीधे पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके डायरेक्टली रन कर सकते हो। यहाँ पे आप आ जाओगे तो ग्राफिक्स और पिक्चर्स से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस दे रखे हैं जिसमें ब्लेंडर जैसा एप्लीकेशन भी है जिसे डायरेक्टली आप अपने पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके रन कर सकते हो। और सारे एप्लीकेशन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें कृता है जिसके बारे में आपको पहले बता चुका था, और आईडी फोटो स्टूडियो है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। इंटरनेट से रिलेटेड भी यहाँ पे काफ़ी सारे जो ब्राउजर्स हैं वो दे रखे हैं, जैसे फायरफॉक्स यहाँ पे दिया गया है, गूगल क्रोम यहाँ पे दिया गया है, जो मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ओपेरा भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे म्यूजिक एंड वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे जो एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि OBS स्टूडियो एक लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है, थंबनेल मैंने यहाँ पे दिया है, ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन कितनी यूजफुल है, इसे भी आप अपने पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हो। शॉर्टकट जो वीडियो एडिटर है उसके बारे में मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया हुआ है, थंबनेल साइड में दे दे रहा हूँ, इस एप्लीकेशन को भी आप पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। इसी तरह से VLC मीडिया प्लेयर है, ऑफिस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ABI वर्ड, अपाचे, ओपन ऑफिस जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अल्टरनेटिव है और ये फ्री अल्टरनेटिव भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप नीचे यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी एप्लीकेशन ऐसी मिलेंगी जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। नीचे आपको सिक्योरिटी, एंटीवायरस, यूटिलिटी ऐसे सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया 1100 से ज़्यादा एप्लीकेशन की डायरेक्टरी है इनके पास में। अब मान के चलिए इसमें से ही कोई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है जो आपके कंप्यूटर में ना हो, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे कंप्यूटर में कौन सा एप्लीकेशन ऐसा है जो हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन ले लेते हैं और ये एप्लीकेशन है ब्लेंडर जो 213 MB की है और मेरे कंप्यूटर में अभी ब्लेंडर इंस्टॉल नहीं है, तो मैं यहाँ पे ब्लेंडर पे क्लिक करूँगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे नीचे देख लेता हूँ और कौन सी एप्लीकेशन आ सकती है, पेंसिल 2D एप्लीकेशन है, इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, कृता को सेलेक्ट करूँगा, इसके अलावा यहाँ पे JPG व्यू को सेलेक्ट करूँगा, इंक स्पेस को सेलेक्ट करूँगा और मैं देख लेता हूँ और कौन सी एप्लीकेशन आ सकती है। अभी मेरे कंप्यूटर में फायरफॉक्स ब्राउज़र भी नहीं है, तो मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके जाऊँगा और यहाँ से फायरफॉक्स पे भी क्लिक करूँगा। आपको जो जो एप्लीकेशन यहाँ पे लगती हैं कि आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाह रहे हो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से ये आप देख रहे हो कि ये मैंने ऑफलाइन भी इंस्टॉल कर रखा है लेकिन आप पेन ड्राइव के अंदर भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो मैं चलिए इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये एप्लीकेशन आपके पेन ड्राइव के अंदर डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे।
तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब आपके सामने ये कुछ इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिस पे लिखा है पोर्टेबल एप्स एडिट। इसे आपको यहाँ से फिनिश करना है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पेन ड्राइव के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसमें हमने ये सारा डेटा भी इंस्टॉल किया था। तो हम माई पी सी के अंदर चले जाते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि मेरी पेन ड्राइव में जो फ्री स्पेस है वो 25 GB है, जबकि 29 GB की पेन ड्राइव थी, यानी एप्लीकेशन तो उसके अंदर इंस्टॉल हुई है। अब मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करके देखूंगा तो इसके अंदर मुझे तीन फोल्डर दिखाई देंगे, पहला डॉक्यूमेंट का, दूसरा पोर्टेबल एप्स का और तीसरा स्टार्ट का। अब ये स्टार्ट क्या है, तो देखो स्टार्ट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ बराबर में एक स्टार्ट मेन्यू, जैसे आपका यहाँ से ओपन होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से एक स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा इस तरफ। और इस तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने जो जो सॉफ्टवेयर अभी ऐड किए थे पेन ड्राइव के अंदर वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे ब्लेंडर, इंकस्पेस, जेपीईजी व्यू, क्रिता, पेंसिल 2D और फायरफॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको फोल्डर भी दिख रहे होंगे, ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स के अंदर ये आए हैं, इंटरनेट ब्राउजर के अंदर ये आया है और म्यूजिक एंड वीडियो के अंदर जो शॉर्टकट हमारा वीडियो एडिटर था वो आया है। अब ये जो यहाँ पे आपको स्टार्ट मेन्यू दिख रहा है इसका आपके कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। मैं स्टार्ट मेन्यू पे जाके अगर यहाँ पे देखो ब्लेंडर जो सॉफ्टवेयर है उसको मैं सर्च करके दिखाता हूँ, अगर सॉफ्टवेयर कोई होता है ना कंप्यूटर के अंदर तो यहाँ पे जरूर दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे सर्च तो कर रहा हूँ ब्लेंडर को, लेकिन ब्लेंडर मेरे कंप्यूटर में नहीं है। और ये जो आपको स्टार्ट मेन्यू दिख रहा है ये स्टार्ट मेन्यू है आपके पेन ड्राइव का। अब जब भी आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर ये पेन ड्राइव लगाओगे तो आपको ये स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है और आपको सारे जो आपके पेन ड्राइव के अंदर दिए गए सॉफ्टवेयर हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करके देखेंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले रन करेंगे 2D पेंसिल। ये 2D पेंसिल हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, ये एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत तरह के जो एनिमेशन है वो आप बना सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो फायरफॉक्स जो ब्राउजर है वो भी मेरे पेन ड्राइव के अंदर मैंने इंस्टॉल कर लिया है। देखो यहाँ पे पोर्टेबल एडिशन साथ में लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पोर्टेबल फायरफॉक्स ब्राउजर है वो ओपन हो गया। अब पोर्टेबल का मतलब ये नहीं है कि ये वैसे काम नहीं करेगा जैसे आपका ब्राउजर काम करता है, ये फुल्ली फंक्शन ब्राउजर है, जैसे आपके ब्राउजर में सारे टूल्स होते हैं वैसे ही काम करेगा। इसके अलावा आप इस स्टार्ट मेन्यू पे अगर जाके देखेंगे तो यहाँ पे ब्लेंडर और जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। अब यहाँ पे हम ब्लेंडर को ओपन करके देखेंगे और यहाँ पे जो ब्लेंडर एप्लीकेशन है आप अच्छे से जानते होंगे कि एप्लीकेशन क्या क्या काम कर सकती है, 3D एनिमेशन आप इसमें बना सकते हो। ये सारे एप्लीकेशन हमारे पेन ड्राइव के अंदर आ चुके हैं। अब अगर आपको कोई और एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड करनी हो तब आप कैसे कर सकते हो, तब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एप्स के ऑप्शन पे जाना है, गेट मोर ऐप पे क्लिक करना है, बाय कैटेगरी पे क्लिक करना है। अब यहीं पे दोबारा से आपको मिल जाएगा पोर्टेबल ऐप डायरेक्टरी का ऑप्शन और चेकिंग फॉर एप्स लिखा हुआ आएगा। अब ये ऐप डायरेक्टरी आपके सामने ओपन हो जाएगी और आप जो एप्लीकेशन चाहो उस पे क्लिक करके सीधे सीधे यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। और आपके ऐप कैटेगरी के अंदर, जैसे यहाँ पे मैं अभी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी के अंदर ऐड करा रहा हूँ तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये देखो ये एप्लीकेशन मेरे पेन ड्राइव में इंस्टॉल हो गई है। अब मैं फिनिश करूँगा, स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मिल जाएगा। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मेरे पेन ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना एक ऐसी बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में जो आपके कंप्यूटर के स्पेस को बचा सकती है और पेन ड्राइव के अंदर आप अपने फेवरेट सॉफ्टवेयर्स को लेके भी कहीं पे भी जा सकते हो और कैरी कर सकते हो और जब मन करे उनको किसी भी कंप्यूटर के अंदर बिना इंस्टॉल किए यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। टीचर ही वो होता है जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है और आपको बहुत सारा ज्ञान देता है। इस टीचर्स डे पर हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स पर बहुत बड़ा डिस्काउंट। अगर ये कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है पूरे 8500 का डिस्काउंट और साथ में ढेर सारे फ्री गिफ्ट्स भी। इस कंप्यूटर कोर्स के अंदर जितनी भी सारे कोर्सेज हमने दिए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर है, पूरे 22 प्लस प्रोफेशनल कोर्सेज है। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, इससे आप पहुंच जाएंगे हमारे वेबसाइट pcskill.in पर और यहाँ पर होम पेज पे ही आपको दिखाई देगा हमारा टीचर्स डे का ऑफर जो आज 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर रात 12 बजे तक ही वैलिड है। अब यहाँ पर आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दो हमारे जो कोर्सेज दिखाई देंगे। पहले कोर्स की जो फीस है वो है 2399 रुपए और इस कोर्स को आपको ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कोई भी कूपन कोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे जाइए और सीधे परचेज करिए। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है चलिए जल्दी से बता देता हूँ। तो पहले कोर्स में आपको मिलने वाले हैं 21 प्लस प्रोफेशनल कोर्स, उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 1800 प्लस PDF शॉर्टकट्स, उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 5 PDF बुक जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
ये सारे जो PDF बुक है हिंदी भाषा में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम फ्री दे रहे हैं हिंदी टाइपिंग का स्टिकर, जिससे आप हिंदी टाइपिंग के जो कोर्स हमने पेन ड्राइव में दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हम फ्री दे रहे हैं अपना एक्सेल शॉर्टकट स्टिकर। पहली बार अगर एक्सेल चला रहे हो ना तो ये स्टिकर आपके बहुत काम आने वाला है। साथ में 2.1 का OTG दे रहे हैं, जैसे आपका कोई भी फोन हो, टाइप सी हो या टाइप बी हो, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स उसमें यूज कर सकते हैं। साथ में हम दे रहे हैं अपना ये खूबसूरत सा एक्सेल का शॉर्टकट मग। इसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं माउस पैड और लाइफ टाइम का एक्सेस, और साथ में ये दो जबरदस्त जो कंप्यूटर के पोस्टर हैं जिन पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इस वाले जो कोर्स की जो कीमत है वो है 2399। कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, सीधे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करो और ज्वाइन करो। तो अब बात करते हैं हमने दूसरे कोर्स की। इस कोर्स के अंदर आपको केवल 600 रुपए एक्स्ट्रा और पे करने हैं और आपको मिल जाएगा 2000 रुपए कीमत का एक कंप्यूटर ग्लास। तो अगर आप मोबाइल पर या कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते हैं तो ये कंप्यूटर ग्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो दोनों ऑफर्स मैंने यहाँ पे बता दी है, क्या क्या आपको मिलने वाला ये भी मैंने आपको बता दिया है, ऑफर की जो लास्ट डेट है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो जल्दी से जाइए और जल्दी से ऑर्डर करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये एप्लीकेशन आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही अगर आपको आगे भी वीडियोस देखने हैं तो कमेंट करना। आपके कमेंट से हमें शक्ति मिलती है कि हम आगे ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।